गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम फ्लिक्स। आज और एक मैच आपके लिए लेके आया हूँ, मुंबई इंडियन वर्सेस राजस्थान रॉयल। T20 का मुकाबला है, हम मुंबई इंडियंस लिए हैं। ये है हमारी लाइनअप, चलते हैं टॉस की तरफ। फुल एंटरटेनमेंट करेंगे आपको, पूरा वीडियो देखिएगा हमारा। और बाकी पहले के अगर वीडियो आपने नहीं देखे है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर मैंने टॉस जीत लिया है, हम करेंगे पहले बॉलिंग, और बॉलिंग को हम कर देंगे स्किप, हम सिर्फ चेस करेंगे। तो चलिए, रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक है स्ट्राइक पे, हमें 189 रन चेस करने हैं 20 ओवर में। तो काफ़ी बढ़िया मैच होने वाला है। जोफ्रा आर्चर जो पहली बॉल करते हुए, और रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छा चौका लगाया, क्या बढ़िया शुरुआत मुंबई के द्वारा। रोहित शर्मा द कैप्टन, काफ़ी बढ़िया कप्तान है ये जोफ्रा आर्चर जो इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। दूसरा गेंद डालते हुए काफ़ी रिस्की रन लिया, और ये एक रन पूरा किया रोहित शर्मा ने। डीकॉक अपना पहला बॉल खेलेंगे, जोफ्रा आर्चर काफ़ी पेस में डालते हैं ये, लेकिन वही पेस का फ़ायदा उठाया और चौका मिलेगा डीकॉक को। डीकॉक ने भी पहले बॉल पे चौका लगाया, जोफ्रा आर्चर नाखुश। तीन गेंदों में 9 रन आ चुके हैं, काफ़ी अच्छी शुरुआत मुंबई इंडियंस के द्वारा। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, टाइम सही से नहीं किया, सिर्फ एक रन मिलेगा। यहाँ पर 189 एक बड़ा टारगेट है, विकेट अपनी बचानी है मुंबई इंडियंस को अगर रन चेस करना है। काफ़ी बढ़िया शॉट, और एक खूबसूरत शॉट रोहित शर्मा के द्वारा, और 4 रन मिलेंगे। काफ़ी बड़ा ओवर होते हुए पहला ओवर इतना बड़ा, 3 गेंदों में 9 रन बना चुके हैं रोहित शर्मा। काफ़ी अच्छे लय में नज़र आ रहे हैं कप्तान अपनी पारी खेलते हुए, और एक खूबसूरत चौका पहली ओवर में 18 रन, काफ़ी बड़ा ओवर। बहुत बढ़िया शुरुआत मुंबई इंडियंस के द्वारा। जयदेव उनडकर आएंगे अपना पहला बॉल करने के लिए, और यहां पर एज लग गई और आउट, अंपायर का इशारा आउट। डीकॉक को फिर से घर जाना पड़ेगा। जयदेव उनडकर वो अपनी पहली गेंद पे विकेट चटकाते हुए, काफ़ी ख़राब शॉट था, सिर्फ 5 रन बनाकर आउट। अब आएंगे ईशान किशन जो काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। ईशान किशन यंगस्टर है, एक इमर्जिंग प्लेयर है, रणजी ट्रॉफी में काफ़ी अच्छे रन्स बनाए हैं उन्होंने। क्या खूबसूरत शॉट मारा है, कवर ड्राइव मार के चौका निकाला है। ईशान किशन ने भी अपनी अच्छी शुरुआत की है। तो 2 ओवर के बाद 27-1, जोफ्रा आर्चर अपना दूसरा ओवर करेंगे। पहले ओवर में उन्हें काफ़ी महंगे साबित हुए, 18 रन दिए थे, और काफ़ी बढ़िया छक्का ईशान किशन जो खूबसूरत शॉट मारते हैं पीछे की तरफ, 1 बाउंस, अंपायर का इशारा। विकेट नहीं गंवानी है ईशान किशन या रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस को। यहाँ पे बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, ये कैसा कैच है भाई, आई डोंट नो, उल्टा ये कैच कैसा है। ये बंदा ऑडियंस की तरफ देख रहा था और उसने कैच पकड़ लिया। ईशान किशन 31 रन बनाकर आउट, 17 गेंदों में 1 छक्का और 4 चौके लगाए। अभी आएंगे सौरभ तिवारी, काफ़ी बढ़िया ओवर करते हुए राहुल टेवटिया, बड़ी शॉट लगाने की कोशिश सौरभ तिवारी, लेकिन नाकामयाब रहेंगे, 2 रन मिलेंगे उन्हें। और यहाँ पर एज लगते हुए सौरभ तिवारी को फिर से जाना होगा पेविलियन। अभी बढ़िया गेंद डाला,
आगे की तरफ बुलाया, लेकिन कट लगते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बटलर ने कोई गलती नहीं की, सौरभ तिवारी आउट 5 रन बनाकर। अब आएंगे हार्दिक पांड्या, तो काफ़ी बढ़िया ऑलराउंडर है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब कुछ अच्छा करते हैं। तो अभी मैच पूरा कसा हुआ मैच है, फुल एंटरटेनिंग मैच है। मैच अभी 50-50 है, कोई भी तरफ जा सकता है। 3 विकेट गवा दिए मुंबई इंडियंस ने। हार्दिक पांड्या अपना पहला बॉल खेलेंगे, कट मारने की कोशिश, फील्डर के हाथ में सीधा, कोई रन नहीं मिलेगा। यहाँ पे चौका छक्का लगता है तो उनके 50 रन भी पूरे हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा मौका है। काफ़ी बढ़िया गेंद डाली, लेकिन काफ़ी अच्छी फ्री हिट डाली अंकित राजपूत ने, कोई फायदा नहीं उठा पाए रोहित शर्मा। एज लगी थी लेकिन 1 बाउंस गया था विकेट कीपर के हाथ में, तो यहाँ पे कोई नुकसान नहीं। फिर से एक नो बॉल और नो बॉल पे चौका मिलेगा, फिर से एक फ्री हिट। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना चाहिए अभी हार्दिक पांड्या को, और एक नो बॉल। तो अंकित राजपूत अपनी बॉलिंग भूल गए, नो बॉल पे नो बॉल किए जा रहे हैं। तो पूरा फायदा उठाना चाहिए अभी हार्दिक पांड्या को। 2 छक्के 2 फ्री हिट में काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी, पूरा फायदा उठाया है हार्दिक पांड्या ने, काफ़ी बड़ा ओवर होते हुए। और एक नो बॉल, तो क्या कर रहे हैं अंकित राजपूत, 1, 2, 3, 4 नो बॉल कर चुके हैं वो। और तीनों फ्री हिट पे छक्का लगाया है हार्दिक पांड्या ने, पूरा फायदा उठाते हुए। काफी खराब ओवर अंकित राजपूत के द्वारा, बढ़िया ओवर कर रहे हैं जी। यहाँ पर 2 रन मिलेंगे रोहित शर्मा को अपना 50 पूरा करने के लिए, जी हाँ। और यहाँ पर रोहित शर्मा अपना 50 कर लेंगे, 35 गेंदों में 50 रन, 8 चौके लगाए उन्होंने। क्या ये ओवर अच्छी करेंगे, और छक्का। हार्दिक पांड्या काफी अच्छे लय में है, काफी हार्ड हिटिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी मैच ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। 10 गेंदों में 30 रन, 4 छक्के लगा चुके हैं अब तक। और उनके हेलमेट पे लगते हुए कोई रन नहीं मिलेगा, काफी बड़ा बाउंसर डाला था बेन स्टोक ने। एक रन निकाल के देंगे रोहित शर्मा को, और एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। यहाँ पर विकेट गंवाते हुए हार्दिक पांड्या, कोई ज़रूरत नहीं थी। 13 गेंदों में 31 रन बनाए, 4 छक्के मारे, 1 चौका, यहाँ पर उनकी विकेट गंवानी पड़ी। अभी आएंगे केरन पोलार्ड, ये भी बड़े छक्के लगाते हैं। जयदेव उनडकर अपना 3रा ओवर करेंगे, केरन पोलार्ड अपना पहला बॉल खेलेंगे। यहाँ पर सीधा विकेट कीपर के हाथ में, और 1 रन आसानी से मिल जाएगा। और 1 छक्का लगाया है रोहित शर्मा ने, फुल टॉस गेंद थी, सीधा मार दिया है, काफी बड़ा छक्का है ये, 126 मीटर। तो अब सिर्फ 35 रन चाहिए, क्या अपने पूरे शतक बना पाएंगे रोहित शर्मा। और 1 छक्का लगाया है, खूबसूरत शॉट, और 6 रन, 84 मीटर का छक्का,
है स्ट्राइक पे। और ये छक्का लगाया है पोलार्ड ने, काफी बढ़िया शॉट, काफी ताकतवर है ये, 123 मीटर का छक्का। और यहां पर लगाया बड़ा शॉट, छक्का मिलेगा रोहित शर्मा को। तो यहां पर 89 पे आ चुके हैं, उन्हें 11 रन चाहिए और टीम को 7 रन चाहिए, बड़ी नाइंसाफी है ये। सिंगल लेंगे या? जी हाँ, सिंगल आसानी से आ जाएगा और स्ट्राइक रखेंगे रोहित शर्मा। अब चाहिए 24 गेंदों में सिर्फ 6 रन। और आर्चर आएंगे, आर्चर आज बहुत ही महंगे साबित हुए हैं। यहाँ पर एक चौका और एक छक्का लगाएंगे तो ही रोहित शर्मा के 100 रन पूरे होंगे। यहाँ पर एक चौका लगना बहुत ज़रूरी है। जी नहीं, सिंगल ही आएगा। जी सिंगल से ही खुश, चौका आएगा। अब सिर्फ 4 ही रन चाहिए, तो नहीं, नामुमकिन है, अभी रोहित शर्मा के 100 नहीं बन सकते। देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब। तीन रन चाहिए से मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए। और फिर से एक नो बॉल, तो रोहित शर्मा को और एक फ्री हिट मिली है। क्या यहां पर वो छक्का लगा सकते हैं या नहीं? पूरा छक्का मारने की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब। तो रोहित शर्मा को 2 गेंदें मिली थी फ्री हिट के लिए लेकिन दोनों पे नाकामयाब रहे। अब सिर्फ स्कोर लेवल है, एक ही रन चाहिए जीतने के लिए। फिर से नो बॉल और ये चौका मिलेगा और मैच यहीं पे खत्म होता हुआ। तो काफी सारे नो बॉल डाले हैं आज राजस्थान रॉयल ने, काफी नुकसान। टर्निंग ओवर था वो अंकित राजपूत का, तो यहाँ पर रोहित शर्मा 96 रन, नॉट आउट 55 गेंदों में। तो यहाँ पर हम मैच जीत चुके हैं, 2 अंक मिल चुके हैं मुंबई इंडियंस को, हमने रन चेस कर लिए है सिर्फ 17 ओवर में, 188 रन चेस कर लिए हैं। तो गाइस थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और बाकी सब भी वीडियोस देखते रहना, बहुत सारे एंटरटेनिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो।